मेरे पति एक आरएस के कार्यकर्ता थे। क्या नाम था? उनका नाम था राजकुमार सिंह चौहान। उनके पास हिंदू धर्म मंच का एक पदवी था जिस समय। हाँ, और मेरे पति एक हिंदुत्व के लिए बोलते थे, हमेशा गरीबों की मदद करते थे। मसीहा थे, गरीबों के जितने भी आसपास के गांव होते थे सबकी निस्वार्थ सेवा करते थे। और जो है मेरे पति के पास कई पद थे पहले भी, उससे पहले भी, लेकिन इस समय हिंदू धर्म जागरण मंच का पद था उनके पास। मैं सब जगह गई थी, सबसे मैंने क्या हुआ, किसने हत्या करी, किस तरह से हत्या हुई? मेरे पति की पत्नी को दिगंबर सिंह प्रधान है, पूर्व प्रधान बिसाना का, उसने मेरे पति को थाने में अरेस्ट करा के मेरे पति की हत्या करवा दी गई थाने में। कब? कब? 16 मई की रात को, 16 मई। अभी आपने कहीं और शिकायत की थी क्या? हाँ, सबसे पहले मैं गई थी जनता दरबार लखनऊ जनता दरबार गई तो मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। उसके बाद गई शाम को 6 बजे में केशव प्रसाद मौर्य मंत्री जी से मिली। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मंत्री जी देखो मेरी कोई नहीं सुन रहा है, मैंने इतनी रिक्वेस्ट की भैया, मैंने हाथ जोड़े पैर छुए, लेकिन उन्होंने मंत्री जी ने मुझे केशव प्रसाद मौर्य जी ने मुझे झूठा आश्वासन दे के वहाँ से भगा दिया। उसके बाद मैं दूसरे 26 तारीख को, मेरे साथ ही है भाई साहब ये, मैं उसके बाद दोबारा गई थी जनता दरबार, लेकिन जनता दरबार में मुझे कालिदास मार्ग से और धक्का मार के मेरे तीनों बेटियों के कपड़े फाड़ दिए। पति की हत्या किस तरह से हुई थी? पुलिस हिरासत में मेरे, क्या बताई थी हत्या की वजह? मेरे कुछ और झूठा बता दिया कि तुम्हारे पति को अटैक पड़ गया, जबकि नहीं, मेरे पति को पूरी रात मार मार के टॉर्चर किया गया और इतनी पिटाई की मेरी पति की रात भर। और मुझे अपने घर से नहीं उसने राणा ने निकलने दिया, बीरेंद्र सिंह राणा विधायक है, उसने विधायक सिकंदर राव विधानसभा से। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।